हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और ठीक ही रहें। और यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में गर्म पानी कर रही हूँ मैं पीने के लिए, क्योंकि वैसे भी मेरे जुकाम हो रही है, तो अभी गर्म पानी लेती रहती हूँ मैं जब भी लेती हूँ। जब और यहाँ पे सुबह सुबह आटा पीस रही थी मैं, उसके बाद मैं जो ये सामान इकट्ठा कर रही हूँ खाना बनाने का, तो ये है जो मेथी साफ करी हूँ मैं, तो इतना तो कचरा ही निकल जाता है। और ये बिल्कुल कच्ची कच्ची मेथी है जो पराठी बनाऊंगी। उधर को सर्दी नहीं लग रही? देखिए इतनी सर्दी हो रही है और ये बिना कपड़ों के सो रहा है। ठिकाना हटा दे, ये देखिए बिल्कुल, मतलब इतनी सर्दी हो रही है, आज तो काफी ज्यादा सर्दी हो रही है और फिर भी ना ऐसे ही सो रहा है। नहीं लग रही सर्दी? चलो उठ जा, अब तो कब उठेगा, उठ थोड़ी देर में, अभी भी थोड़ी देर में। और यहाँ पे सर्दी ज़्यादा हो रही थी तो बच्चे दिन में ही सो रहे थे, और ये खाना और साफ सब्जियाँ लेके आए हैं, तो काफ़ी सारी सब्जियाँ लेकर आए हैं आज फिर से, तो खाना की मनपसंद की है, तो बता रहा है मेरे को कि मेरी पसंद की सब्जियाँ लेके आए हो मैं, क्योंकि आज ये गया था मैं नहीं गई, तो यहाँ पे सब्जियाँ क्या करके लाया ऐसे कि थोड़ी गंदे सी प्याज। आप भी फिर बैठे हो रहे ये दंगे की गड्डी। इधर ही रख दे धुले की सारी सब्जियां। और ये कचरा है यारी, इसको चप्पल को, सॉरी गाइस, चप्पल अंदर की है। और माय फेवरेट, मेरे फेवरेट है ये कच्चे केले, जो मुझे इसकी सब्जी बहुत पसंद है, और आपको रेसिपी दिखाएंगे इस सब्जी की, और हो सकता है मैं चिप्स भी बनाएंगे गाइस। सब्जी वब्जी कुछ नहीं बनेगी इसकी, चिप्स बनेगी कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी पापा बोल रहे थे एक सब्जी लेने का। सब्जी मैंने धो के और यहाँ लगा दी, तो ये सूख जाएगी आराम से, सुबह तक मैं फ्रिज में लगा दूंगी। और इसके बाद रात की बची हुई रोटियां रखी हुई थी 4-5, तो मैं उनको छोंक के और सुबह का मतलब बनाई थी नाश्ते में, तो यहाँ पे पनीर की गार्निश करी थी और चीज़ डाली थी इसमें बहुत सारा, तो बच्चों को बहुत पसंद आती है इस तरीके से। और काफ़ी सारी सब्जियाँ डाल के बनाई हूँ, गोभी मटर वगैरह सभी सब्जियाँ। और यहाँ पे है ना बच्चों को काफ़ी पसंद आई है जो मैं रोटी छोंक के बनाई हूँ। वैसे ऐसे तो नहीं खाते हैं, लेकिन इस तरीके से बना देती हूँ ना तो खा लेते हैं, और काफ़ी अच्छी भी लगी। खाना कैसे है, कैसे है मम? ये हमारा सीधा साधा है, ये हमारा थोड़ा स्टाइलिश है नमूना, हमारा स्टाइलिश नमूना है ये, इधर देखना नमूने। और आजकल ना ब्रांडेड शिव भक्त हो रहा है, पूरा पूरा ब्रांडेड चीजें पहनता है, शिव भक्त का शिव भक्त हो रहा है। और यहाँ पे देखिए कच्चे प्याज का फूल बना रखे हैं, तो पता नहीं किसका फूल बता रहे थे बच्चे, नीलम का पता नहीं काहे का, तो उसको देख रहे थे और बहुत मजे ले रहे थे इससे। बनाएंगे ताजा हरी मेथी के पराठे और बड़ा बैंगन की सब्जी। और यहाँ पे मैं बनाऊंगी बैंगन की सब्जी, जो कच्चे कच्चे कांटे वाले बैंगन है, तो उसके लिए मैं पहले हरी मिर्च और प्याज टमाटर सब कट कर लूँगी। तो शाम को मैं चूल्हे भी बना रही थी सब्जी रोटी जो भी बना रही थी, और सबको यहाँ पे पहले काट के रख लूँगी, प्याज है लहसुन है। और जो कांटे वाले बैंगन होते हैं ना काफ़ी अच्छी सब्जी बनती है इनकी, बहुत टेस्टी लगती है, सर्दियों में कभी कभार बना लेते हैं तो अच्छी लगती है। वैसे इतना ज़्यादा तो नहीं बनाते हम बैंगन, लेकिन भरवा बैंगन अगर बनाते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं इस तरीके से बनाती हूँ, एक तो मैं ग्रेवीदार बनाती हूँ और एक मसाले भर के बनाती हूँ, तो मैं ग्रेवी वाली बना रही हूँ, वैसे मसाले वाली नहीं बना रही। और लहसुन प्याज ये मैं मिक्सी जार में नहीं पीसी, वैसे ही बना रही हूँ पीस के काट के। और यहाँ पे जो बैंगन काट रही हूँ, तो इनके जो कांटे होते हैं छिलके होते हैं वो निकाल लूँगी, और ये अंदर से बिल्कुल कच्चे ही हैं। और
काट के इनको देखना भी होता है, अंदर कीड़े भी होते हैं कभी कभार, तो अच्छे से देख के फिर पानी में डालती जाऊंगी ताकि ये कड़वे नहीं हो, और इनको अच्छे से धो के निकाल लूंगी। तो पानी भी ज़रूर डालना चाहिए इनको काटते समय भी। और ये दही है और हाथ से बटी हुई चटनी है और ये लहसुन है और ये हरी मिर्च प्याज टमाटर सारे मसाले हैं। और इधर है जो दही के अंदर मिर्ची पहले से डली हुई है और यहाँ पे मैं गरम मसाला और हल्दी और धनिया पाउडर नमक ये सब डाल दूंगी और थोड़ा सी सारे मसाले डाल दी मतलब, और हल्दी वगैरह जो भी है सारे मसाले को अच्छे से दही में मिक्स करूंगी। और दही खट्टा नहीं होना चाहिए, तो एक तो इस तरीके से बना सकते हैं कि मसाले को भर ले और फिर तेल में फ्राई कर ले इनको अच्छे से, और एक है जो फिर मैं इस तरीके से बना रही हूँ। यहाँ पे मैं तेल को चेक कर रही थी जीरा डाल के, और उसके बाद में तेल गर्म होने के बाद ये कटे हुए बैंगन डाल दूंगी और इनको अच्छे से मैं तेल में फ्राई होने दूंगी थोड़ी सी देर के लिए। तो इनको मैं पलट कर और अच्छे से फ्राई करूंगी और इस तरीके से काफ़ी टेस्टी लगते हैं ये, फ्राई करके बनाते हैं थोड़ा तेल में। तो ये देखिए बिल्कुल बढ़िया फ्राई हो गए ये, और इनको निकाल लूंगी मैं एक साइड। और चूल्हे की आंच क्या ज़्यादा हो रही है तो तेल बहुत गर्म हो रहा है, ये अच्छे से देखिए सिक गए हैं। अब इसमें मैं जीरा डालूंगी और अब लहसुन अदरक डाल दी और उसके बाद में डालूंगी मैं प्याज और हरी मिर्च। और इनको भी अच्छे से तेल में फ्राई करूंगी और फिर टमाटर डालूंगी, उसके बाद में जो मसाला बनाई थी वो डाल दूंगी। काफ़ी अच्छी थिक एक ग्रेवी बन के तैयार होती है और इतनी टेस्टी नहीं लगती है जब मिक्सी में पीस के डालते हैं सब कुछ। वैसे अगर काट के और ग्रेवी बनाते हैं ना तो ये बहुत अच्छा टेक्सचर देती है, बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आता है सब्जी का। और अब अच्छे से ग्रेवी बन गई है मतलब पक गई है, देख सकते हो तेल आ गया ऊपर। और अब इसमें मैं पानी डालूंगी करीबन एक कप और अच्छे से मिक्स करूंगी, और इसमें उबाल आने के बाद मैं बैंगन डाल दूंगी ताकि उस जो पानी डाली हूँ उसमें बैंगन पकने के लिए थोड़े बहुत और कच्चे रहेंगे वो अच्छे से पक जाएंगे और मसाले में भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए अच्छे से मसाला भी चला गया इनके अंदर और अभी ये पक गई है अच्छे से बिल्कुल बढ़िया। ये देखिए तेल बिल्कुल बाहर आ गया। और इधर है जो मैं आटे में नमक डालूंगी और लहसुन डालूंगी क्योंकि मैं पराठे बना रही हूँ मेथी के, तो यहाँ पे मेथी को धो के और फिर डाल दी। और इधर है जो हरा धनिया डाल दूंगी सब्जी में, और देखिए सब्जी बहुत अच्छी बन के तैयार हुई है। और अब अच्छे से मिक्स करूंगी सारे मसाले डालूंगी, पहले तो इसमें लाल मिर्च हल्दी पाउडर धनिया पाउडर थोड़ी सी अजवाइन और नमक सब डाल के अच्छे से मिक्स करूंगी आटे में। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका अच्छा सा आटा गूंथ लूंगी। और सर्दियों में तो मेथी के पराठे भी बहुत अच्छे लगते हैं, और चूल्हे पे ही सेक रही हूँ मैं इनको भी। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी साइज की मैं पराठे बना रही हूँ। तो ये सिक गए एक तरफ से, दूसरी तरफ पलट दूंगी मैं पराठे को और उसके ऊपर ऑयल लगाऊंगी अब, क्योंकि घी के बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, ये तेल में ही बनाते हैं ना जब भी बहुत अच्छे लगते हैं। और अब चारों तरफ से अच्छे से सेक लूँगी। और ये है दूसरा पराठा, तो इस तरीके से ही मैं सारे पराठे सेक लूँगी। तो ये भी सिक के तैयार है।
और अभी सर्दी हो गई है काफ़ी, तो पराठे ये अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं चूल्हे पे बना रही हूँ आराम से। और अब जल्दी जल्दी बना रही हूँ मैं, बच्चों को खाना खिलाना है मेरे को। और बहुत अच्छी मतलब बन के तैयार हुई है सब्जी और पराठे। तो आप भी इस तरीके से बनाइए और खाइए, सर्दियों का मज़ा लीजिए। फिर आपसे कल मिलते हैं कल वाली वीडियो में। सभी को जय माता दी।